खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। जय जगन्नाथ। जी हां, आज इसी की गूंज देश के कई सारे राज्यों में सुनने को मिल रही है और इससे जुड़ी हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी कवरेज भी आप हम तीन एंकर्स के साथ आगे देखने वाले हैं। नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बनवाल। आज की सुबह खास है, आज का दिन खास है। अहमदाबाद से लेकर पुरी तक हर कोई कह रहा है जय जगन्नाथ। सारी खास अद्भुत तस्वीरें आपके सामने होंगी। नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। तो आज बुलेटिन की शुरुआत जय जय जगन्नाथ से ही। जी हां, श्रद्धालु हजारों लाखों की संख्या में ओडिशा के पुरी में जुटने लगे हैं। इसके साथ ही गुजरात में भी एक बेहद भव्य और शानदार भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। आज से ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होगी। शाम 4 बजे से पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। और अहमदाबाद की बात करें तो यहां भी आज से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अहमदाबाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी प्रतीक के रूप में पुरी के बाद सबसे बड़ी यात्रा जो निकाली जाती है वो गुजरात में निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मंगला आरती की अमित शाह ने, गृहमंत्री जब से बने हैं उसके बाद पहली बार गुजरात गए और आज मंगला आरती की। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां पर तीनों रथ एक एक करके आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। लाखों की श्रद्धा में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं अपनी श्रद्धा लेकर भगवान जगन्नाथ के रथ को हाथ लगाने के लिए, वो कितने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उनके रास्ते में झाड़ू लगाई जाती है, जिस रास्ते से रथ निकलता है लोग उसको साफ करते हैं और बेहद अटूट श्रद्धा मानी जाती है। और जो भी जगन्नाथ यात्रा में इस रथ को खींचता है या हाथ लगाता है, मान्यता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी तस्वीर पुरी की है। पुरी में शाम 4 बजे से ये रथ यात्रा शुरू होगी, लेकिन सुबह के कार्यक्रम किस प्रकार वहां पर आरंभ हो चुके हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी सुबह आरती हुई है और अब धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा कार्यक्रम आगे बढ़ते जाएंगे। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकल रही है। सुबह सुबह गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचकर उन्होंने अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। ओडिशा के पुरी के साथ साथ अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल गई है। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने मंगला आरती में शामिल होकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में और बाहर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम नजर आए। की रथ यात्रा पूरी की तरह अहमदाबाद शहर में भी काफी लंबे समय से निकलती है और खास आज 142वीं जो रथ यात्रा है अहमदाबाद शहर में निकलने वाली है। ये माहौल मंदिर परिसर के बाहर का है। पूरी तरह से मंदिर परिसर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये भी वैसे अद्भुत है, शाम 4 बजे पुरी में तो खैर अकल्पनीय तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन आज सुबह से जो अहमदाबाद की तस्वीरें आ रही वो दिन बनाने वाली आती। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ निकले हैं अपने नगरी के दर्शन के लिए। खैर, अहमदाबाद की मनोरम तस्वीरें तो आपके सामने होंगी ही, लेकिन पुरी की बात करते हैं। जी हाँ, शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा यहाँ से शुरू होगी और बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। ओम जगन्नाथ नमो नमः। साल भर के इंतजार के बाद एक बार फिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में ओडिशा के पुरी में पहुंच चुके हैं। जहां नजर घुमाओ चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ ही नजर आती है। क्या देसी और क्या विदेशी, सब श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। रथ यात्रा की तैयारी अंतिम पड़ाव पर है और आज जब रथ यात्रा शुरू होगी तो श्रद्धालुओं का साल भर का इंतजार भी खत्म होगा। ये जब बड़ा डिजास्टर हो गया है, फानी के बाद इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तो देखकर के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, भाई बलराम का ताल ध्वज और बहन सुभद्रा का दर्प दलन रथ तैयार है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मंदिर से निकलकर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं,
यही भगवान की रथ यात्रा कहलाती है। भगवान जगन्नाथ को पुरी के लोग अपना राजा मानते हैं। रथ यात्रा में सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया भर से जिनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में है वो सभी खास तौर पर आज पुरी पहुंचते हैं। और पुरी में ही इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता अर्णव मुखर्जी। सीधे अर्णव का हम रुख करना चाहेंगे। अर्णव, आप आज भगवान जगन्नाथ की नगरी में मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहे जाते हैं भगवान जगन्नाथ। महीनों से तैयारी होती है इस रथ यात्रा की, तो आज शाम 4 बजे से रथ को हाथ लगाना, रथ को खींचना लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कार्यक्रम आज दिन भर चलेंगे वहां पर? देखिए, हर साल पुरी में ये रथ यात्रा होता है और ये तीनों रथ को ये जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही दूर स्थिति गुंडीचा मंदिर के तरफ खींचा लाया जाता है ये तीनों रथ को। और अभी सुबह 5 बजे मंदिर के अंदर में मंगलारती हुआ है, मंगलारती समाप्त हो गया है सुबह 5 बजे। और उसके बाद मंगलारती के बाद कुछ रिचुअल्स माना जाता है मंदिर के अंदर। एक है मैलम होता है, उसके बाद होता है तड़पलागी, उसके बाद अवसर और लास्टली ये खिचड़ी भोग मंदिर के अंदर ही दिया जाता है तीनों विग्रहों को। और उसके बाद अभी कुछ देर बाद 3 विग्रहों को इधर लाया जाएगा, रथ के ऊपर पहुंडी करके चढ़ाया जाएगा। पहुंडी बोलता है जो जुलूस करके मंदिर के अंदर से निकलेगा, जो जुलूस आएगा तीनों विग्रहों को लेकर, उन तीनों विग्रहों को लेकर इस रथ के ऊपर चढ़ाया जाएगा जिसको पहंडी कहते हैं। और दोपहर में पुरी का जो राजा है गजपति दिव्य सिंहदेव, उन्होंने भी आएगा सोने के झाड़ू से, वो ये तीनों रथ को झाड़ू लगाएंगे और जिसको कहता है छेरा पहुड़ा, उन्होंने आएंगे पालंकी के साथ। और छेरा पहुड़ा जो सेवा है राजा का, वो सेवा उन्होंने इधर ही करेंगे। हम जैसे देख रहे कि तीन रथ के सामने इधर ओडिसी जो डांसर लोग हैं, ओडिसी डांसर लोग वो भी आ गए हैं, क्योंकि पहुंडी के टाइम ये ओडिसी डांसर लोग जो है वो लोग डांस करता है। कुछ विदेशी लोग भी इधर मौजूद हैं जो इधर नृत्य प्रदर्शन करेंगे। इधर पूरा सभी हम जैसे देख रहे, कोई है गुरु केलुचरण महापात्र के स्टूडेंट है, किसी लोग आए हैं सिर्फ इधर नृत्य प्रदर्शन करने के लिए। ये रथ के सामने अभी ये लोग खड़ा है और ये लोग सभी एक साथ अपेक्षा कर रहे कि कब ये पहुंडी यात्रा चालू होगा, यानी कि तीनों विग्रहों को मंदिर से ये तीनों रथ पर लाया जाएगा। इसीलिए आए श्रद्धालुओं को भी अर्णव यही इंतजार है कि आखिर कब चालू होगा। 6 से 7 घंटे का वक्त अभी बाकी है, लेकिन तीनों रथों की तस्वीर हमारे संवाददाता ने आपको दिखा दी है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अर्णव। बिल्कुल, देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी, कुछ रोचक बातें आपको बता देते हैं। देखिए, भगवान के रथ बनाने का काम बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। बहुत ऊंचे रथ होते हैं, भगवान के रथ में किसी भी तरीके के धातु का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं, इसमें किसी भी तरीके के धातु का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तीनों रथों में भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, सबसे ऊंचा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है जिसकी ऊंचाई जो है 45 फीट होती है। उसके बाद बता दें जो उनके भाई हैं उनका दूसरे नंबर का होता है हाइट के अगर हम हिसाब से बात करें, तीसरे नंबर पर सुभद्रा का। भगवान जगन्नाथ के रथ के कई नाम है, उन्हें गरुड़ध्वज कहा जाता है, कपिध्वज कहा जाता है, नंदी घोष के नाम से भी पुकारा जाता है। यात्रा में सबसे आगे बड़े भाई बलराम का 44 फीट ऊंचा रथ चलता है और उसके बाद बीच में बहन सुभद्रा का 43 फीट ऊंचा रथ होता है और आखिर में होता है भगवान जगन्नाथ का रथ।